छोटे छोटे शहरों में दो दो तीन तीन चार चार गीता पाठशालाएं बन जाती है। मैसूर में एक ही गीता पाठशाला चलती है, उनके यहाँ नहीं चलने के यहाँ। ये क्या बात है? और जहाँ जहाँ दो दो तीन तीन गीता पाठशालाएं हैं उन सब में आपस में मनमुटाव जरूर रहता है। तो ये जलगंगा का जादू मारने का कार्य कब शुरू होते हैं? राज्य करेगा खालसा के बाद या पहले? झाड़ू मारने वाला और राज्य करने वाला, गद्दी पे बैठने वाला, ऊंचा कौन माना जाता है? गद्दी पर बैठने वाला, राज्य करने वाला ऊंचा माना जाता है, और झाड़ू वाले मारने वाला नीचा माना जाता है। जो राज्य करने वाला है, राजा है, कभी राजा रहा हो और फिर वो उससे कहा जाए कि झाड़ू लगाओ, मर जाएगा, लेकिन झाड़ू लगाना पसंद नहीं करेगा। तो जवाब मिल गया क्या? झाड़ू क्या काम करेगा? फिर नीचे से जब काम देना पवन, जब खामधेनु गो के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में युद्ध होता है, तब वशिष्ठ ने पवित्रता का दंड को आगे रखता है, वो चैतन्य में कौन बनते हैं? मुझे कौन ब्रह्मा, ब्रह्मा? तो जब ब्रह्मा है, ब्रह्मा और वो प्योरिटी का दंड आगे कर देता है, पवित्रता का दंड आगे कर देता है, तो विश्वामित्र जो है वो सारे अस्त्र शस्त्र चलाते हैं और सारे अस्त्र शस्त्र उनके फेल हो जाते हैं, उस प्योरिटी के दंड के सामने झुक जाते हैं। दंड कौन है? दंड कौन है? लक्ष्मी है। ब्रह्मा बाबा ने कोई ऐसा रंग रूप तैयार किया है जो दंड के साथ खड़ा हुआ हो? ब्रह्मा बाबा ने अपनी पालना दे करके जितनों को पालना दी, और पालना देने लेने वालों में कोई ऐसा है जो पवित्रता में दंड के समान स्त्री हो के खड़ा है? कौन चीज? वो दंड के समान स्त्री है या नहीं है? भले अफ्रीका जैसे हवसियों के देश में है, काम विकार की हवसी, क्रोध विकार की हवसी, लोभ विकार की हवसी, उनके बीच में होने के बावजूद भी पवित्रता का दंड खड़ा हुआ है। विश्वामित्र हार खा जाते हैं। विश्वामित्र माने कौन? जिसमें सारे विश्व का मित्र है, परमात्मा शिव प्रवेश करके मुकर्ण रूप में पाठ बजाता है,
वो थक जाता है। अब ब्रह्मा बाबा नंदिनी गौ को वापस उसे देते नहीं। कब तक नहीं देते हैं? जब तक विश्वामित्र ये दृढ़ प्रतिज्ञा न करे, क्या ये दंड को मैं धारण करूंगा। तपस्या करके ब्रह्मत्व जब धारण कर लेते हैं, पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण मन ब्रह्मर्षि वो ब्राह्मण होते हैं या कोई दूसरे जाति के होते हैं? ब्रह्मर्षि सब ब्राह्मण होते हैं। तो जब तक पक्के ब्राह्मण न बन जाए तब तक वो नंदनी गौ के लिए संघर्ष नहीं करते। पक्के बन जाते हैं तो वशिष्ठ जी स्वतः ही नंदनी गौ को उनको अर्पण कर देते। जब प्रजापिता संपन्न बन जाता है लक्ष्मी नारायण के रूप में, तब सुप्रीम सोल वहाँ रहता है नहीं रहता है, पर दूसरे दूसरे बच्चों में फर्क करता है या मूल वचन को चला जाता है? जब नारायण वाली आत्मा खुद ही बाक्षवान बन गई, ये वह है विश्व पिता और वो है विश्व पति, सारी सृष्टि का बाप साबित हो गई, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु के रूप में साबित हो गई संसार के सामने, तो फिर शिव रहे रहे न रहे कोई अंतर है? कोई प्रूफ मिलेगा कि है या नहीं है? कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। तो दूसरा बच्चों में फर्क करता है, वो पहले ही चलता है। गॉड इज वन, तो बाप का बच्चा भी वन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव कहे जाते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा जाता है, तीनों देवताओं में बड़ा शंकर, तो गॉड का बच्चा ही वन है, तो वो बच्चा प्रजा को नहीं समझ सकता? वो समझ सकते है बाबा, पर कोई कोई दूसरे बच्चे में भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। कौन? सुप्रीम सोल। वो सिर्फ सेवा के लिए, कोई साधक नहीं कर सकता? वो ठीक है बाबा, पर वो बाद में करता है, पहले पहले भी करता है बाद में, फिर बच्चा बाप करो ना, बाप बाप का काम करता है। प्रजापिता संपन्न बनने के बाद भी वो सेवा के लिए रुद्र कर रहे हैं, वो ग्यारह कहे जाते हैं, बारहवां है रुद्र, तो रुद्रगणों में जो रुद्र है, महारुद्र जिसे कहा जाता है, वो ही तो प्रवेश करके पार्ट बन जाएगा, नहीं तो सारे इसे वो और बन के बैठ जाएंगे। इसलिए साबित नहीं कर सकता कोई कि मेरे अंदर शिव प्रवेश करता है। अगर शिव सभी में प्रवेश करने लगे तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? अगर शिव सब में प्रवेश करने लगे तो शिव सर्वव्यापी कहेंगे या एक व्यापी कहेंगे? सर्वव्यापी हो गया। 108 बच्चों में प्रवेश करके 108 बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं, बाप दादा प्रवेश करते हैं, शिव जो है वो सिर्फ एक में प्रवेश करता है। अगर सब में प्रवेश किया होता तो सारे ही जो है वो ज्ञान के राज को खोल देते। ब्रह्मा में प्रवेश किया वो तो अम्मा के रूप में, मतलब वो बाप के रूप में नहीं। वैसे ही दूसरे बच्चों में नहीं प्रवेश होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि बच्चे समझने वाला होशियार है और समझाने वाला बुद्धू मिल गया, लेकिन हिम्मत कर रहा है तो हिम्मत है बच्चे, मतलब बाप ये उस विरुद्ध में बना हुआ है, इसलिए उसे प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता है
वाचा की पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है और आत्मा को उठा देता है। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर सिवाय कोई कोई तो अहंकार नहीं आ जाते हैं। क्या हमने इस आत्मा को उठाया, वो पार्ट पहले हमने सेवा की 2018 के पहले ही चलता है वो सभी अंत में भी चलेगा। ये कैसे साबित करेंगे कि ये जो सुप्रीम सोल ने ये कार्य किया या प्रजापिता ने किया? साबित करने की बात नहीं है बाबा, साबित करने की तो कहने की भी बात नहीं, तो कहने की भी बात नहीं। जो बाबा ने बात बोल दी वही बात मानना है कि एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। अगर किसी की दिल होती है सर्वव्यापी हो तो फिर ये संकल्प ही जायज है। लेकिन ये तो एक तरह से पाप कर्म बन जाता है। क्या मेरे अंदर मेरे में है, तेरे में है या कोई में भी है, ये अगर हिरण्यकश्यप साबित हो जाता है। और बाबा जब हम मौनसापुर में जाते हैं तो बाहरी दुनिया में है तो विनाश विनाश होता रहेगा, क्या वो मोटाबू वालों पर हमला नहीं करेंगे? कुछ वाइब्रेशन ऐसा होता है जिस वाइब्रेशन से उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठेगा हमला करने वालों की बुद्धि में, कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाने वाली। क्योंकि वो बहुत दुख में होते हैं, तंग आ रहे हैं। कौन? बाहरी लोग। और जो अंदर है जो दुखी है तंग आ रहे हैं और मोहनतबू में तो सुखी रहते हैं। जो दुनिया वाले परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने वाले आत्म की स्थिति की शान में है? नहीं। जो आत्म की स्थिति की शान में नहीं है वो परमात्मा को कैसे पहचान लेंगे? नहीं पहचानते। पर जब पहचानते ही नहीं है तो हमला भी नहीं करेंगे। पर देखते हैं ना वे खुशी में है, वे क्या खुशी में बोल रहे हैं, बैठे हैं भूखे क्या नहीं सकते, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। क्या खुशी, जो उनको कुछ भी नहीं करने क्या है ये? जो राजाएं होते थे, बड़े बड़े राजाएं होते थे, उनके परिवार वाले होते थे, जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि तपस्वी है, तपस्या करते थे, उनको क्या अपने से ऊंचा समझते थे? हमारे राज्य की प्रजा है, इनकी हमें रक्षा करनी है। वो तो लौकिक बात हुई। बाबा 9,16,108 में से कलयुग के अंत तक सदा हिंदू धर्म में ही रहने वाले कितने लोग हैं? हिंदू धर्म तो कोई अच्छा नहीं है। क्या है? ये भी देवता सनातन धर्म की बात है। द्वापर के आदि से देवी देवता धर्म सनातन धर्म की आत्मा नहीं होती है क्या? आत्मा होती है ना, इस धरती पर देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा होती है कि नहीं होती? होती। आत्मा नहीं, जीव आत्मा होती है। 33 करोड़ वो 33 करोड़ जो आखिरी जन्म में आएंगे, 33 करोड़ में से ऊपर से नीचे उतरेंगे, देवी देवता सनातन धर्म की बनेंगे, तो उनकी गिनती नहीं होगी क्या? सनातन धर्मावलंबी में उनकी भी गिनती होती है। पर बाबा प्रश्न ये था, जो 9 लाख होते हैं वो कांड में ही तनाव ही आते हैं, ऐसा कोई है? तनाव सेंटर वृक्ष के सेंटर में देवी देवता सनातन धर्म के पक्के कन्वर्ट होकर के कोई और धर्म में जा न सको? वो कन्वर्ट के बात नहीं बाबा, हमेशा हिंदू या देवी देवता धर्म में ही जन्म लेंगे, जन्म लेंगे
ऐसे मुस्लिम क्रिश्चियन दूसरे धर्म में नहीं जन्म लेने वाले नहीं बोलते, ऐसा कोई होते है पर वो दूसरे दूसरे धर्म में भी जन्म लेते हैं, जो दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं वो तो करवट होने वाले कच्चे हो गए, कब जन्म लेने वाले, चौरासी जन्म कहाँ लेते हैं। बाबा ही दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं, अलग अलग जन्म लेना एक बात अलग होती है, और इसी जन्म में हमने दूसरे धर्म के है हिंदू धर्म के है और इसी जन्म में हमने दूसरा धर्म अपना लिया उसे कहते हैं कन्वर्ट, कन्वर्ट उसको कन्वर्ट कहते हैं। हमेशा देवी देवता धर्म या हिंदू धर्म में ही जन्म लेने वाले कोई होते हैं, कोई होता है कितना है देखो ब्रह्मा तो विष्णु वो कोई वो माँ थोड़ा ही उन्हें राजा ही देने जाएगी, माँ राजा ही देने राजा ही का वर्षा माँ देती है क्या, नहीं बात जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा की कैटेगरी क्या है वो तो माँ है, बाप और बाप के वंश के फॉलोअर्स हैं जो भी है सूर्यवंशी वो साथ में जाते हैं रहने का वर्षा देने के लिए दूसरे धर्म वालों को भी। इसका मतलब सारे चंद्रवंशी जो विजयमाला के ग्रुप सभी दूसरे दूसरे वंश में नहीं जन्म लेते, धर्म में नहीं जन्म लेते, जन्म नहीं लेते लेकिन कंट्रोल में तो रहते हैं, विरोध में तो रहते हैं, तो क्या फायदा होगा। उनका तो लंबा टाइम का बन गया हिसाब किताब, शूटिंग तो उनकी भी हो रही है माया जी के भी कंट्रोल में रहने की, स्वभाव संस्कार ही कंट्रोल रहने का बन जाता है। जो भी ब्रह्मा नामधारी है वो सब प्रजावर्ग हो गए या कि राजा वर्ग के हुए है, सब प्रजावर्ग में आ जाते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं, राम का पांच सिर विकारों के जो है वे बीजों का या आधार मूर्तियों का है, बीजों का मुख है या आधार मूर्तियों का मुख, रावण जी हाँ रावण के पांच विकारों का सिर जो प्रकृति के पांच मुख है इसके पांच मुख पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये तो देवताएं हैं, और काम क्रोध लोग वो अहंकार है वो देवता है नहीं तो रावण के मुख है, क्या हलो भी तो होते क्या हलो भी मर्ज करते हैं पर तेरी देवता है या नहीं है पृथ्वी में आधार लेने वाला जल है, पृथ्वी के ऊपर दौड़ने वाली वायु है, पृथ्वी के ऊपर आग होती है, पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ से आकाश, तो पांचों देवता है, हम पृथ्वी आधार भूत है या बीज रूप है, बीज पृथ्वी बीज रूप है सब आधा है ना बाबा, सब आधा लेता है ना पृथ्वी से, इसीलिए कंपैरिजन में कहा जाएगा,
कंपैरिजन के हिसाब से जो माला बनती है उस माला में जो सूर्य का पार्ट है वो पिता का है और पृथ्वी का पार्ट माता का है, यानी सूर्य के मुकाबले अगर कहें तो वो आदर है। सीढ़ी के चित्र में त्रेता के अंतिम तीन जन्म किन का है, अष्टरत्नों का या नष्टदेवों का? हाँ, आदि में तीन भाई अष्टरत्न और अष्टदेव एक ही समझ लिए क्या? ऐसे नहीं बता, अष्टरत्न या नष्टदेवों का। अष्टरत्न कहाँ से आ गए उसमें? हाँ, लास्ट तीन जन्म त्रेता का लास्ट तीन जन्म। हाँ, वहाँ का अधिपति बनने वाला कौन है? वो बारह की ही कैटेगरी में से होंगे या उनसे अलग होंगे, त्रेता में बारह जन्म होते हैं, तो बारह जन्मों में आठ जन्म में जो राजा करने वाले हैं वो तो वही नारायण है जो सत्युग में नारायण बनते हैं, सत्युग में नारायण बनने वाले आठ नारायण वो त्रेता में भी जाकर के नारायण बनते हैं। जैसे कि राम बनते हैं, हाँ वो राम बनते हैं, वही वो नारायण जो बन जो नारायण बनते हैं सो राम बनते हैं, माने संगम युग का जो नारायण है वो त्रेता का फर्स्ट राम बनता है और बाकी आठ जो नारायण है सत्य के वो बाद वाले आठ राम बनते हैं, मतलब तो नौ राम तो हो गए, बाकी तीन राम राज्य में कितने रह गए? तीन रह गए, तो उनका भी जो टाइटल होगा वो राम ही होगा या कोई दूसरा टाइटल होगा? राम, उनका भी राम टाइटल होगा, तो जो राम टाइटल वाले होंगे वो त्रेता युग के राम राज्य को गिराने वाले हैं लास्ट वाले तीन या थमाने वाले हैं? गिराने वाले, गिराने के निमित्त है, तो जो गिराने के निमित्त बने हुए हैं वो जरूर उसी कैटेगरी के होंगे। कौन सी कैटेगरी? नष्ट देव होंगे, नष्ट नष्ट करने का काम भी किया होगा, क्या संगम युग में भी उन्होंने राम का और राम राज्य का विरोध किया होगा, तो वहां भी जाके नष्ट देव बनते हैं, ग्रहण भी नहीं तो बनते हैं, कोई गिरजाघर बनाता है, कोई मिस मिस जिद को जिद करने वाली मिस को सपोर्ट करता है, जामा मस्जिद है कोई का बहुत स्वल्प काल राज्य करता है तब तक आधा विनाश हो जाता है, जैसे बहुत जीव लोगों का सबसे कम राज्य चलता है दुनिया, किंतु वो प्रभावित होने वाले हैं, है भारतीय धर्म लेकिन फिर भी प्रभावित किससे हो जाता है? क्रिश्चियन और मुसलमानों से प्रभावित हो जाते हैं। वो सीढ़ी के चित्र में नीचे सिर्फ दो विदेशियों को दिखाया है जो दिख देते हैं बौद्ध भी संभाल है, बौद्ध खुद ही प्रभावित होने वाले हैं विदेशियों से, इसी कारण से वो तो नहीं देखा, वो भीख लेने वाले बनते हैं, भिक्षुक बनते हैं, आज भी जितने भी बौद्ध हैं वो भिक्षुक हैं, भिक्षुक रूप में है या भिक्षा देने वाले रूप में है, तो भिक्षु है, भिक्षु और भिक्षुणियों का संप्रदाय है, लाल कपड़े पहने हुए सारी दुनिया घूमता रहता है, भीख लेते रहते हैं, आदि में वो प्रजापिता को सहयोग नहीं दिया थे, आदि में सहयोग देते हैं सात्विक और सतो सामान्य स्टेज में, फिर जब से इब्राहिम बुद्ध कहे थे गुरु नानक की ये दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिता आते हैं तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि बात तो गुप्त रहता है, पर वो बात 76 का है ना बाबा, है तो सतो प्रधान स्टेज थी एडवांस पार्टी की उस समय, यह तमो प्रधान स्टेज थी सात्विक स्टेज थी ना, इसलिए सहयोगी बने, पर सहयोगी बने पर फिर भी उसको नहीं दिखाया है, किसको नहीं दिखाया? बौद्ध को, कहाँ देखा मैं? वो भीख देने वाले में, वो भीख देने लायक बनते ही नहीं ना, उनकी राजा ही इतनी चलती ही नहीं,
400-500 साल बौद्ध धर्म की राजाई चली, बस खत्म। क्योंकि वो प्रभावित होने वाली आत्मा है। शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा से प्रभावित हो जाते हैं, विदेशी उनके संतान संपर्क में आते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। होना तो कोई ना कोई तो प्रभाव में रहना है। अब देने वाले दाता कैसे बनेंगे? तुम बच्चे पौने सुख भोगते हो पर वो लोग आधा सुख आधा दुख भोगते हैं। इसका मतलब जो भी आत्मा द्वापर से आती है या कलयुग से आती है उसका सुख और दुख का जन्म आधा आधा होती है क्या? भाई आधा सुख आधा दुख, बाप आधा सुख देते हैं और जो मनुष्य गुरु है वो दुख में तक लौटा देते हैं। तो सारी दुनिया को भगवान बाप को पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है? विनाश पूरा होने से पहले सारी दुनिया सुगार सागर को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? पहचानेगी। जब बाप को पहचानेगी तो बाप का वर्षा भी लेने के हकदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो आधा हिस्सा बाप जो है सुख का हिस्सा आधा ले लेंगे, वो भी हकदार बन जाते हैं। आप जो पुरुषार्थ करें वो पौना ऐसा सुख लेने के अधिकारी बन जाते हैं। कावेरी नदी तो दक्षिण भारत में बहुत प्रख्यात है, पुण्य नदी मानते हैं, पर बाबा ने उसे काला कौवा स्त्री रूपी कहते हैं, तो वो कौन है? क्योंकि कोई काला कर्म किया है नहीं कौवा होगी, सरेंडर होने के बाद कोई दूसरे को भगवान मानती होगी? एक बार बाप को सरेंडर हो गई तो सरेंडर होने के बाद फिर किसको भगवान मानना चाहिए? बाप को भगवान मानना चाहिए, बाप को पति परमेश्वर मानना चाहिए। अगर कोई दूसरी पार्टी निकल पड़ी और वो जितनी भी पार्टियां निकलती हैं एडवांस पार्टी से वो सारी तो पहले बाप की बनती है, बाद धोखा दे जाते हैं, खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो उनको अगर भगवान मान लिया और भगवान मानने वालों में पहला नंबर बना लिया, आगे आगे जो कदम बढ़ाया है वो पहला नंबर माना जाता है या बाद में कदम बढ़ाए देख दाख करके देखा दूनी तो पहले नंबर माना जाता है? जो होते दो अल राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, ऐसे मुझे में बाबा बताते हैं रावण और कंस का पार्ट बाप के द्वारा ही चलेगा। रावण का पार्ट बाप तो राम कहा जाता है लेकिन कृष्ण कहा जाता है? राम ही रावण बनता है, राम रावण बनता है और कृष्ण की आत्मा कंस बनती है। तब औरों को ये कैसे पता लगेगा ये रावण का पार्ट या कंस का पार्ट है? ऐसे कहीं पता चलेगा? जो कन्याएं हैं वो किसको ज्यादा आकर्षित होती है? कृष्ण कन्याएं आकर्षित होती है। कोई कन्या कहीं मट्टी मारने कल्याण में कहीं ऐसा सुना कि राम को कन्याओं ने वो कन्याओं ने राम को अपना पति बना लिया? कृष्ण को बनाती है। कन्याओं ने जो है स्वयं कोमल स्वभाव दिए, कोमल स्वभाव वाली माता को सपोर्ट करेगी या बाप को सपोर्ट करेगी? कन्या माता को सपोर्ट करती है। तो जब आठ प्रत्यक्ष होंगे तब उनके साथ आठ देवियां भी प्रत्यक्ष होंगी, आठ देवता प्रत्यक्ष होंगे उनके साथ, आठ देवी चंद्रवंश देवियां जो है वो सूर्य वंश से हैं या दूसरे वंश से? चंद्रवंश।
तो साक्षात प्रत्यक्ष होंगे कि आगे पीछे होंगे? पैदाइश की साक्षात होती है क्या? जो देव है वो तो सूर्यवंश के समान पुरुषार्थी है ना, समान पुरुषार्थी कैसे? अगर समान पुरुषार्थी हो तो लक्ष्मी नारायण बन जाती है, लक्ष्मी नारायण बनती है क्या? नारायण लक्ष्मी बनती, तो बात समझ रहे। गणेश जी का चूहा दिखा कहना सभा दिन वो पीवी के वाले हैं या बी के वाले का है? हम किसको और किसको फोड़ते हैं? पीवी के वाले फोड़ते किसको है? किसके ऊपर सवारी करते हैं? एडवांस ज्ञान जो बढ़ता है वो जो जब एडवांस ज्ञान वाले ज्ञान सुनाते हैं तो किसको मोस्टली सुनाते हैं? बी के वाले को सुनाते हैं। वो पता ही नहीं लगता बी के वालों को कि कौन एडवांस में चला गया, वो अंदर ही अंदर सुना करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, सारा खोखला कर देता है। वो बीके वाले सुनते ही नहीं बाबा है, बीके वाले सुनते ही नहीं। वो बीके वाले वही तो सुनेंगे जो हमारे कुल के होंगे, जो हमारे कुल के नहीं होंगे वो कैसे सुनेंगे? दूसरे धर्म के पक्के होंगे तो कहीं नहीं सुनेंगे। जगरन का तो दोनों हाथों में जादू लेकर खड़ी हुई है, जगरन बात का नाम थोड़े दिया, नाम दिया प्रकृति का। ये चैतन्य जादू कौन बनते हैं? कोई यात्रा जो आदि से अंत तक जगदम्बा की गुण गाने वाली होंगी वो भी बनेंगे, आदि से अंत तक जगदम्बा की मुट्ठी में रही होंगी या रहने के स्वभाव वाली होंगी वो भी बनेंगे, दूसरे थोड़ी बनेंगे। झाड़ू करो, झाड़ू क्या है? अपना काम करता है सफाई का, झाड़ू से काम सफाई का लिया जाता है, सफाई पूरी हो जाती तब क्या करते हैं? कोने में टिकाई देते हैं है? तो अभी कहाँ होंगी वो? कहीं कोने में पड़ी होंगी माता है, माता है। उनसे काम लिया जाएगा तो हाथ में पकड़ के धड़ाधड़ उनको काम कराया जाएगा। बाबा बाप बाप का वर्षा बच्चों का मिलता है ये दूल रूप में क्या होता है? सिर्फ ज्ञान के रूप में बाप स्थूल धन लाता है ऊपर भी क्या? नहीं है? और स्थूल रूप में कुछ भी नहीं हो तो शुक्र तो पैसा मिलता है आत्मिक बता तो दिया जो गधा होगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा नहीं या जो होशियार होगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा? होशियार हो तो होशियारी ही तो ज्ञान दे ही जाती है। ये वर्षा ये होशियारी जो है वो कौन सिखाता है? बुद्धिमानों की बुद्धि है वो होशियारी सिखाता है। ऐसा हो तो 2036 के बाद सुख मिलता है अंदर ही मिलता है। ये 2036 के अंदर ही सुख का अनुभव करता है या बाद में? बाद में इसका प्रश्न है। 2036 से पहले? पहले 2036 के बाद वो तो है ही, भगवान मिलेगा तो सुख अनुभव करेगा, दुख अनुभव करेगा। भगवान अभी मिला है, अगर मैं सुख नहीं अनुभव कर रहा हूँ। मिला तो है लेकिन दूसरों के प्रभाव में तो नहीं आता है, दूसरों के प्रभाव में आ गया तो दूसरे का बच्चा बन गया। बाप का बच्चा होगा तो बाप की ही बात मानेगा, दूसरे की बात क्यों मानेगा? दूसरे की बात सुनेगा भी नहीं, दूसरा का बात नहीं नहीं। तो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा गोद का बच्चा होता है ना, कोई दूसरा उसको गोद में लेना जाए नहीं जाता है? नहीं जाता है। वो जानता है क्या? तो भी जाना
तो जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप की बात सुनेंगे, बाप की बात पे ध्यान देंगे, बाप की बात से प्रभावित होंगे, कोई और की बात से प्रभावित होंगे ही नहीं। ऐसे तो सारी दुनिया नित्या नित्य के चक्र में आती है, ब्रह्म की आत्मा भी नित्य नित्य के चक्र में आती है। क्या एक ही आत्मा तो बची तो नित्य अनित्य के चक्र में नहीं आती, तो वो ही बात तो बच्चे, और वो भी धीरे धीरे बन के आता है। ये अतीन्द्रिय सुख कब तक होता है, कब खत्म होता है अतीन्द्रिय सुख? जब इंद्रियों का सुख लेना शुरू होता है तो अतीन्द्रिय सुख खत्म। थर्टी सिक्स के बाद या द्वापर तक चलता है? 2036 के बाद आंखों से सुख लेना, मुख से सुख लेना शुरू होता है या नहीं? होता है, होता है। तो अतीन्द्रिय सुख खत्म कब से स्टार्ट होता है? जब से आत्मा संपन्न बनती है, आत्म की स्थिति बनती है, आत्मा बनेंगे तो आत्म सुख अनुभव होगा, देह अभिमान होगा, देह बनेंगे तो देह की इंद्रियों का सुख होगा। कितने लोग ये अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं? उनमें भी जो पुरुषार्थ करने वाले हैं वो पक्का अतीन्द्रिय सुख पाते हैं, जो पुरुषार्थ ही नहीं करते राज परिवार के बनते ही नहीं, राजयोग सीखते ही नहीं, उनको पर्यावरण में जाएंगे। सुप्रीम पुरुष की बात करते हैं कि ना मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ, पर ये तो एवर पूज्य होने के नाते, एवर प्योर होने के नाते एवर पूज्य नहीं है ना। कौन सुप्रीम पुरुष? सुप्रीम सोल माने क्या है? बिंदु 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 एवर प्योर है, एवर एवर कहा जाएगा नहीं। बिंदु के लिए कहे कि वो एवर प्योर है, ये बात साबित है होगी? कैसे पता चलेगा ये बार प्योर है? परीक्षा कैसे होगी? जब साकार इसको साधारण प्रवेश करेगा तभी तो कहा जाएगा ये बार प्योर है, नहीं तो साबित कैसे होगा, मानेगा कोई कैसे? बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो माना तो तभी जाएगा जब वो साकार में प्रजापिता के द्वारा ऐसा एक्ट करे जिस एक्ट से ये साबित हो कि एवर प्योर है और में ये शिफ्ट नहीं है, जो शिफ्ट इसमें है और माने 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं प्रजापिता के अलावा वो ऐसी एक्ट नहीं बजा सकते। कैसी? कि संघ के रंग में भी रहें, क्लोज कलेक्शन में भी आ रहे हैं और फिर भी डिटेच, हाँ फिर भी डिटेच रहे। तो 5000 साल का यह मूर्ति अभी भी मिल रहा है ऐसे बताते हैं, उसे सबसे प्राचीन माना जाता है, पर भक्ति महत्व 5000 साल पुरानी नहीं कोई चीज, 5000 साल पुरानी कोई चीज हो, कोई लिंग मूर्ति हो तो जो पत्थर होगा, जो पत्थर होगा उसमें तो ढेर सारे एटम इकट्ठे हुए पड़े हैं, वो जो भी तो बने रहेंगे इकट्ठे होके क्या? हाँ वो पत्थर भी तो कभी पिघलेगा, उस लिंग का उस पत्थर लिंग का जो अणु अणु है वो भी तो अपने अपने स्थान पर जाकर के इकट्ठा होगा ना, कि साइकिल पूरा होगा भी नहीं उसका, तो 5000 साल पुरानी कोई चीज नहीं होती। 5000 वर्ष की पुरानी चीज हो सकती है कोई? नहीं, 5000 से ज्यादा पुरानी चीज कोई नहीं हो सकती।
अब आत्मा एक बार अत्यंत सुख पाने के बाद क्या फिर वो वापस आता है, ये इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए आता है या कंटिन्यू होता है अत्यंत सुख? कंटिन्यू हो तो पांच हजार साल बना रहे नहीं मालूम क्यों? आत्मा अगर जीव आत्मा बन करके शरीर धारण करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, इंद्रिया होते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे और सदाकाल उसका अतीन्द्रिय सुख बना रहे तो पांच हजार साल बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे तो होता नहीं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति सिर्फ उन्हीं को ही हो सकती है जो वाइब्रेशन का सुख लेने में पहुंच जाते हैं, सुख लेने की स्टेज में पहुंच जाते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण। मैं 2036 के अंदर से बात कर रहा हूँ। एक बार अभी एक बार एक आत्मा अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं और 2036 तक ही अनुभव करेंगे। चलेगा उसके बाद नहीं। इंद्रिय सुख लेना खत्म आत्मा में ही सारा बुद्धि समा गया है, फिर भी ब्रेन का खुद ही आत्मा करो। हाँ तो ब्रेन का अलग क्या काम बनता है? वो तो कारखाना है। कारखाने में काम करने वाला अलग, कारखाना अलग। तो खोपड़ा जो जिस खोपड़े में ये सब कारखाना बना हुआ है वो तो सब उसके यंत्र है, पुर्जे हैं। उसको कोई बुद्धि थोड़े कहेंगे। तो आठ में से चार कुमार है और चार बहने हैं अष्टदेव में, उनमें से कुमार अष्टदेव में कुमार विदेशी विधर्मी से कनेक्टेड है और बहने स्वदेशी विधर्मी से कनेक्टेड है, ऐसे बाबा बताए। विदेशी चार कुमार चार कुमार विदेशी विधर्मी हो जाएंगे सारे, फिर सूर्यवंशी कौन रहेगा? नहीं बाबा वो गिरते हैं विदेशी विधर्म में जाकर अंतिम जन्म में नीचे गिरते हैं। अंतिम जन्म अष्टदेव में अंतिम जन्म में जाकर नीचे गिरते हैं, अलग अलग धर्म में नीचे गिरते हैं ना। पहला कुमार है वो कौन से धर्म करता है? वो किस धर्म करता है? हिंदू धर्म करता है। उससे पहले हिंदू नहीं होता है? अच्छा मैंने ये कि आदमी वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। हिंदू था अगर गिरेगा ही नहीं तो उठेगा कैसे? उठाने के लिए बाप आते है। अच्छा हर किसका नाम? हर हर इसके नाम किसका है? शंकर का नाम। उसके साथ कौन सा टाइटल जुड़ा हुआ? हर हर महादेव। हर हर बम बम
ये बम कौन से धर्म के लोग बनाते हैं? क्रिश्चियन धर्म क्रिश्चियन क्रिश्चियन का भी दूसरा तबका जो और ज्यादा नीचे गिरा हुआ है नास्तिक नास्तिक है भारत इस समय पूरा नास्तिक है पूरा नास्तिक माना पूरा नीचे गिरा हुआ किसी को मानता ही नहीं हिंदू भारतवासी नीचे गिरे हुए हैं फिर भी इतने नीचे गिरे नहीं हुए नहीं है कि माँ को माँ न माने बहन को बहन न माने बेटी को बेटी न माने अब क्रिश्चियन में रशियन में क्या हो रहा है जानते ही नहीं जानते ही नहीं कौन हमारी बहन है कौन हमारी माँ है कौन हमारी बेटी है जन्म लेते ही उसमें डाल दिया जाता है क्या नर्सिंग होम सरकारी नर्सिंग होम होते हैं जन्म लेते ही सरकारी नर्सिंग होम में चला गया बच्चा और बड़ा हुआ स्कूल में डाल दिया गया हॉस्टल में डाल दिया गया और बड़ा हुआ ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया ट्रेनिंग पूरी हुई अपना कोई धंधा थोड़ी करो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा उसको कौन हमारी बहन है कौन हमारी माँ है कौन हमारी बेटी है नहीं पता नहीं पड़ेगा तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ धर्म कौन सा हुआ नास्तिक धर्म सबसे ज्यादा गिरा हुआ हुआ ओ बाप रे क्या तो उनमें से पालना करने वाला स्थापना करने वाला कौन है चार जो नष्ट देव है वो विनाश का काम करते हैं और स्थापना करने वाले हैं वो तो कन्हैया माता ही हम पालना करने वाले ग्रुप में विष्णु को दिखाया जाता है पालना करने वाला जो विष्णु का रूप दिखाया जाता है उसमें भाव स्वभाव से पुरुष ज्यादा होते हैं या स्त्रियां ज्यादा होती हैं पुरुष संख्या ज्यादा होती है इसलिए विष्णु का नाम ज्यादा गाया हुआ है पालन करता है वैष्णवी का नाम उतना नहीं गाया हुआ है मणिपुर सबसे पहले एक ज्ञान सूर्य को देता हूँ ऐसे बाबा कहते हैं पर ज्ञान सूर्य अलग है और ज्ञान सागर अलग है ये अंतर क्या है चाहे पृथ्वी है चाहे कोई भी ग्रह है तो उसमें दो रूप समाये हुए हैं एक जड़ रूप शरीर का और एक जड़ रूप चैतन्य आत्मा का आत्मा और शरीर दोनों चाहिए तभी तो जीव आत्मा बनेगी तो सूर्य जिसे सूर्य के रूप में कहा गया परसोनिफिकेशन किया गया मनुष्य के रूप में दिखाया गया है जो सूर्य है उसका वो उसमें भी तो दो रूप होंगे कौन कौन से दो रूप निराकार भी होगा साकार और साकार भी होगा बाबा आज के मुंडे में आया कि प्रजा पिता जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करते तब तक उस जगह माँ नहीं आते दृढ़ संकल्प नहीं करते ऐसे हुआ ऐसे आया बाबा प्रजा पिता जब कब दृढ़ संकल्प करेंगे किस बात का दृढ़ संकल्प ब्रह्मा तो विष्णु बनने के लिए ब्रह्मा तो विष्णु बनने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे माना बाप समान जो शिव है हाँ। वो शिव के समान बाप समान अभी कोई बना नहीं
दोनों बातें कैसे होंगी? बाप का मन बना भी है और नहीं भी बना है। अगर नहीं बना है तो संकल्पों में जड़ता नहीं होगी, तो अनिश्चय बुद्धि होगा या नहीं होगा? फिर अनिश्चय बुद्धि होगा तो फिर प्रतिपिता कहा जाएगा, सारी सृष्टि का बीज कहा जाएगा? संकल्पों से तो सृष्टि देखी जाती है। अगर कोई एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, वो एक कौन है? ब्रह्मा तो अनेक है, जगदम्बा उसकी बात है। वो पक्का निश्चय कर ले हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को पहचान करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत पर ही चलना है। ये दृढ़ता धारण कर ले तो नई दुनिया बन जाएगी। अगर कोई ने क्लास में थोड़े समय के लिए आकर जाएंगे, एक घंटा तक भी नहीं बैठेंगे, तो उनका भी सिग्नेचर ले सकते हैं क्या अटेंडेंस भी दिखता है? दोनों टाइम दिखा लो, आते ही सिग्नेचर लेते हैं। हाँ आते ही सिग्नेचर ले लो और जाते समय को ऐसे साइन करके जाओ। राम ने 69 में ज्ञान में आए और 76 में प्रत्यक्षता उसकी हुई, पर सुप्रीम सोल शिव की प्रवेशता उसमें कौन से साल में होती है? जब बाप का प्रत्यक्ष, बाप है कौन मूल रूप में? शिव मूल रूप में शरीर है या मूल रूप में आत्मा है? आत्मा है। तो आत्मा का बाप कौन है? शिव। और बाप की प्रत्यक्षता कब हुई? 36 है ना? 36 हुआ मूल बाप के रूप में। 36 में तो नहीं प्रत्यक्षता हुई, तो उसी समय सूक्ष्म उसी समय सूक्ष्म का प्रवेशता माना। किस समय प्रवेश? जब बाप को प्रत्यक्षता कैसे बोल दूंगा?